बॉलीवुड इंडस्ट्री के गलियारों में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की चर्चा जोरों शोरों से है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इन दोनों की शादी की नहीं बल्कि कैटरीना कैफ से जुड़ी कुछ गंदी हरकतों के बारे में बात करने वाले हैं, जिस वजह से इन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर वन, सलमान खान की इंसल्ट। यह बात तो सभी जानते हैं कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय का अफेयर चल रहा था। तब सलमान खान ने कई बार शराब पीकर ऐश्वर्या राय के साथ बदतमीजी की थी और ऐसे ही उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ भी करने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस ने इनकी काफी बेइज्जती की थी। ये बात साल 2009 की है, जब सलमान को इस बात का पता चला कि कैटरीना कैफ और रणवीर का अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने कैटरीना कैफ के घर जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक्ट्रेस ने यह सब चुपचाप नहीं सहा और उन्होंने सलमान खान की काफी बेइज्जती की थी। नंबर टू, फिल्म के सेट पर पहुंची नशे की हालत में। फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग के दौरान जब एक्ट्रेस डायरेक्टर के कहने पर सीन शूट नहीं कर पा रही थी तो डायरेक्टर एकदम से गुस्सा हो गए, लेकिन इन्हें जब बाद में पता चला कि कैटरीना कैफ सेट पर शराब पीकर आई थी, इसके बाद उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने सबके सामने डांटा था। नंबर थ्री, ड्राइवर के साथ बदतमीजी। कैटरीना कैफ एक बार किसी के साथ डेट पर गई थी जहां उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, लेकिन इस बात का पता नहीं था कि बाहर मीडिया का काफ़ी जमावड़ा है। वह डेट पर गई है, इस बात का पता सिर्फ उन्हें और उनके ड्राइवर को था। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी सीक्रेट रखती हैं, इसके बाद एक्ट्रेस को यह लगा कि उनके ड्राइवर उनकी पर्सनल लाइफ की बात बाहर बता रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने अपने ड्राइवर को काफी डांटा था और उसे नौकरी से बाहर निकालने तक की बात कह दी थी। नंबर फोर, सलमान ने मारा थप्पड़। साल 2008 की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और कैटरीना कैफ का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सलमान खान अपने गुस्से पर आपा खो बैठे और उन्होंने सबके सामने एक्ट्रेस के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपका कैटरीना कैफ की इन सब बातों के बारे में क्या कहना है? आपको कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी कैसी लगती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।